स्पॉटलाइट देते रहिएगा। यस, स्वागत सबको है मेरा मिस्ट्रेस प्यार भरी आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार जी, कैसे हैं सब? कोई अच्छे बढ़िया, हैं? सब बहुत मेहा, अच्छे, मेरे को तो अपनी फैमिली की लगने लग गई हो। कैसे हो? सब बहुत बहुत अच्छे अच्छे। हैं। हाँ जी, नमस्ते जेटी लक्ष्मी। टीपी अपनी फैमिली हो गई ना, तो और अब प्रज्ञा दीदी से ज्यादा भी होने के बाद तो समेहा लगता है कि अपनी बच्ची है। थैंक यस, यू सब जुड़े हुए सो मच, हैं। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, थैंक यू सो मच। नहीं तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। रश्मि जी को मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, रश्मि जी भी ऐसी बच्ची है, ये भी मेरठ में रहती है। रश्मि तो परिचय दीजिए। मैम, मैं मेरठ में रहती हूँ। मैं पिछले 2 महीनों से ध्यान कर रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। काफी मेरा डिप्रेशन दूर हुआ और मेरे को इस फैमिली से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ जी, ये फैमिली है ही ऐसी, इसके साथ जी, जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। यस, हाँ, हाँ शुरू जी, करते हैं फिर। मैम लक्ष्मी को आप मैम को होस्ट बना दीजिए। यस, उसमें मेरे को क्या करना होगा? मैम आप अपने आप को बस अनम्यूट कर लीजिए। ओके, यस लक्ष्मी जी, आप बताएं आपको कैसे आना हुआ, पहले क्या करते थे आप, थोड़ा सा अपना बताइए। आपका स्वभाव पहले कैसा था धर्म के प्रति, मैं कैसे जो? एक तो पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत छोटे शहर से और बहुत छोटे शहर में आ गई। मेरे मायके भी बहुत छोटे शहर में है, ससुराल भी कहाँ बहुत। पर है, कहाँ पर, मेरे कौन सी मायके जगह? महाराष्ट्र में नागपुर के पास भंडारा में है, वहीं की मैं बॉर्न ब्रॉट अप, मराठी में पढ़ाई हुई, महाराष्ट्र में रहते थे। फिर मैं एकदम आ गई यहाँ पर, उस समय ये बिहार था जब मैं यहाँ आई, अब तो ये झारखंड है। तो वो भी छोटा अच्छा, शहर था, ये भी छोटा शहर है। तो बस हम लोग 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं, तो बस ऐसे ही बच। बहुत अच्छा परिवार था, यानी आध्यात्मिक परिवार में पले बड़े हैं हम। बहुत अच्छा। फिर और फिर ससुराल में आए। हाँ जी, शादी करके फिर कैसा रहा शादी आपका? करके आए तो यहाँ पर भी ससुराल में यही पूजा पाठ वाला, कीर्तन वाला माहौल था। तो अच्छा, यहाँ पर भी पूजा पाठ में तो पहले भी मन लगता था बचपन से ही, और फिर बाद में भी हम बहुत मन लगता यहाँ पर भी पूजा पाठ में मन लगता था। तो लेकिन पूजा पाठ करते करते ऐसे ही दिन बीतते लाइफ आपकी स्मूथ रही, गए। हाँ, लाइफ सबकी लाइफ में में तो उतार इसके चढ़ाव तो आते ही रहे, बहुत आए। छोटी एज में शादी हो गई, 19 साल में शादी हो गई, और फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई। मैं सबसे बड़ी बहू थी, तो बाकी सब 4 देवर, 2 नंदे, सास ससुर, सबका काम करना बहुत भारी पड़ा, लेकिन हो गया। हाँ हो गया। तो जी, आप ही ध्यान में कैसे जुड़ी? ध्यान के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, पूजा पाठ कर लेते थे, माता का पाठ कर लिया, रामचरित 40 से पढ़ लिए, बस यही सब कर थे। पहले तो ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था। अचानक ना एक बार भैया ने 2010 में पिरामिड बनवाया, भूमि पूजन पर तो हमको पता नहीं चला कि कब भूमि पूजन हुआ, लेकिन जब बन के तैयार हो गया 40x40 का भंडारा में भैया ने पिरामिड बनवाया, वहां ये पत्री सर आए वहां पर, अच्छा, तो उन्होंने उद्घाटन किया। उस समय हम ध्यान से मुलाकात हुई कि ध्यान भी ऐसे होता है। उनके साथ किया, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बस कर लिया, हो गया, ऐसे ही था, कर लेते थे, हो गया। जब भंडारा गए तो, और फिर जब पत्री सर चले गए उसके बाद मन नहीं लगा, बस ऐसे अपने। वैसे भी मायके जाओ तो खेल, हंसी खेल में ही टाइम बीत जाता है। मतलब फिर मन बेचैन रहता था क्या आपका, जैसे उनके हाँ, मिलने के बाद बेचैन तो ऐसा कुछ खोज रहता रहे था थे कि क्या? कुछ हाँ खोज जी रही थी क्या आप? हाँ, खोज में तो मेरी बहुत ज्यादा खोज रही। पहले कीर्तन भजन में करती थी तो उसमें भी लगता था आंखें बंद करके, कभी भी मैंने ऐसे आंखें खोल के कभी गाया ही नहीं। अच्छा, हाँ, मैं भजन बहुत गाती थी, मेरे घर में होता था, बड़ी बहू थी, सासू माँ ने बोला गाओ तो हम लोग गाते थे और बहुत इंटरेस्ट लेके, लेकिन आंखें खोल के मैंने कभी भी नहीं गाया। जब भी गाती थी आंखें बंद करके, तो मेरे को क्या पता था कि यही ध्यान है। तो बहुत
अंदर तो नहीं, अंदर तो पता लग रहा था आत्मा को कि ध्यान है, लेकिन बाहर नहीं पता था, ध्यान से मुलाकात नहीं थी। सर से मुलाकात हुई तब ध्यान के बारे में पता चला। फिर पिरामिड इतना बड़ा बनाया, उसमें बड़ी उत्सुकता जागी, भैया ने इतना बड़ा पिरामिड बनवाया, इतना खर्चा किया, ऐसे किया, ऐसे बनाया, इसने इतने सारे क्रिस्टल कितना बड़ा डाले, बनाया था उन्होंने, कितना बड़ा बनाया था, क्या साइज था उसका? 40 बाय 40 का, बहुत चालीस बढ़िया बाय साइज, चालीस का बहुत बड़ा साइज, चालीस पिरामिड बनाया। तो चालीस फुट बहुत, हाँ जी, तो जैसे आप कह रहे हो। बड़ा सा पिरामिड बनाया। तो फिर उसमें रहने, हम लोग जाते हैं तो करते, फिर यहाँ अपने ससुराल में आते फिर भूल भाल जाते। कई बार तो ऐसे होता मन नहीं लगता ध्यान में, भैया उसके पास जाते हैं तो भैया बोले चलो ध्यान में बैठो, बैठ जाते हैं और देखते कि भैया इधर उधर हो तो हम भी भागे, ध्यान अच्छा, नहीं लगता मन नहीं था, लगता था आपका। नहीं लगता था। फिर ऐसे ही मेरा, ऐसे ही करते करते दिन बीतते गए। तो फिर हम लोग ना, मैं ना एक बार, भैया ने बड़ी कोशिश की, भैया ने बहुत सोचा बड़ा किया, लेकिन हम लोग बस जब जाते भंडारा तो लगा देते ध्यान, नहीं जाते तो बस ऐसे ही करते करते। फिर बहुत टाइम बीत गया तो बाल बच्चे बड़े हो गए, सब बच्चे अपने पढ़ने चले गए, घर में अकेले हो गए, तो लगे नहीं कुछ तो चाहिए करने के लिए, कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो फिर मैंने ना नारायण रेखी सीखी, तो और फिर राज दीदी को बहुत सुनती थी, उनको सुनते सुनते थोड़े दिन बाद मन उग गया। फिर मैंने ईशा वाले सद्गुरु जी को सुना, उनको भी सुनते सुनते मन ऐसे लगे कि नजदीकी कोई होना चाहिए कि कोई हमको गाइडेंस दे तो हम कुछ करें, ऐसे लगता था मेरे को। बहुत ज्यादा दिल से ऐसे लगता था कि मेरे शहर इतना छोटा शहर है, कोई साधु महात्मा भी मेरे शहर में नहीं आते हैं, कोई नहीं आते। तो ऐसे ही खोजते खोजते ना मेरी छोटी बहन मीनाक्षी, वो वैसे भी बहुत, हम लोग सभी बहनों में वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, एक बार आपने बचपन से। आप बता रही थी कि मैं हरिद्वार भी गई थी। हाँ, तो उसने हरिद्वार जा, तो उसने मेरे को JTTP का लिंक भेजा। वो अलाउ नहीं है किसी को भेजना, वो बोले किसी को बताना मत, लेकिन मैं भेज रही हूँ तुम कर लेना। तो मैं बोले अच्छा, नहीं तू जबरदस्ती, उसने बोला नहीं तुमको करना ही है, ने किया तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा थैंक यू निकला उसके लिए, बहुत अच्छा लगा। फिर वो करते उसी समय में मैं हरिद्वार चली गई। हरिद्वार जाना हुआ तो हरिद्वार में गई, वहां गंगा मैया, पहाड़ पर्वत सारा कुछ देख देख के ऐसे लगे कि सब इनमें मैं किसी को खोज रही हूँ, किसी को ढूंढ रही हूँ, बड़ा लगे कि किसको ढूंढ रही हूँ। बच्चे पीछे से पुश करते करते मेरे को आगे ले जाए कि आप क्या देख रहे हो, इधर उधर क्यों देख रहे हो, तो बच्चे फिर पुश करते फिर आगे ले जाते हैं, मैं भी चले जाती हूँ। ऐसे करते करते जब घूम घाम के घर आ गए, घर आए तो JTTP मेरे को मिला, 4 JTTP 4 मिला। तो फिर मैंने उसमें ध्यान किया, तो उस समय से अभी मेरे को 7 महीने हो गए रेगुलर ध्यान में हूँ, 7 महीने से बहुत अच्छा लगा। ये 7 महीने से जैसे आप कर रहे हैं, तो उसका क्या आपको लगा कि क्या प्रभाव पड़ रहा है मुझ पर या परिवार पर? कोई 7 महीने से मैं अपने खुद ही चेंज कर रही देखा, थी, मैं कोई खुद ही कर चेंज? रही थी। वैसे ही मेरे मेरा परिवार वैसे ही था, जैसे कि हम लोग, ये लोग 5 भाई हैं, सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कहीं कभी घर में हल्ला गुल्ला हो रहा है, कभी शांति है, कभी कुछ है, मैं अपने ध्यान में लगी रहती हूँ। मेरे लगे 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 ऐसे ही मेरी छोटी देवरानी, मेरे से छोटी देवरानी थोड़ी परेशान थी एक दिन, तो मैंने बोला आओ हम पावनी मैम का 12 बजे वाला मेडिटेशन करते थे, 12 बजे वो सेशन लेती थी, जैसे आपका ये सेशन है वैसे लेती। जी तो उसने लिया, तो मैंने मेरी देवरानी को बोला कि आओ ध्यान करें, तो मेरे को पता था वो आने वाली नहीं है क्योंकि उसका पूजा पाठ में ध्यान नहीं था। तो मेरे को लगा कि नहीं जाना चाहिए, मैं चली जाती हूँ। तो मेरे पास छोटा सा पिरामिड है, बड़ा 2 बाय 2 का पिरामिड है, उसके अंदर छोटे छोटे लगे हुए, उसमें से मैंने एक छोटा सा पिरामिड निकाला, ले गई नीचे, उसके सिर पे रखा, और मैंने बोला अब इसको बांधने के लिए कुछ नहीं है तो चुन्नी लपेट लो। चुन्नी लपेट दी और उसको आंखें बंद कराई, हाथ क्रॉस कराए, पैर क्रॉस कराए, मैं बैठ जाऊं। तो पावनी मैम के उसमें बैठ गई, तो जब वो बैठी तो उसको तो एकदम वाइब्रेशन होने लगी, बहुत अच्छा लगा उसको। तो भाभी बोली ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं कि मेरा इतनी जल्दी ध्यान लग जाएगा।
फिर तब उसके बाद जब JTTP आया तो फिर उसने उस समय ज्वाइन किया, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, उसके घर में भी एकदम शांति है, बहुत अच्छा है। हाँ और घर में किसने करा आपके, जैसे देवर कह रहे हैं ज्वाइंट फैमिली, तो देवर हैं, जेठ होंगे, मदर इन लॉ है। फिर मेरी और उससे भी छोटी एक देवरानी है, अच्छा उससे छोटी मेरी देवर देवरानी है, तो वो देवरानी मेरे 3 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम को पूजा करती थी। अच्छा मैं उसको बोलती थी तुम ध्यान करो, भाभी जी भी आए थे मेरी बेटी की शादी में, उन्होंने भी उसको बोला था कि ध्यान करना, तो वो बोली नहीं हमारा ध्यान में नहीं है, हम तो बाबा लाल जी का जाप करते हैं और अपना पाठ करते हैं। उसने ऐसे बोला था, भाभी ने बोला बीज डाल के छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है अपने से करेगी। तो जब मैं ध्यान करने लगी तो मैंने देखा, एक बार उसने मेरे से पूछा, जबकि मेरी उससे बहुत कम बात होती थी, ज्यादा पटती भी नहीं थी, लेकिन उसने मेरे से पूछा कि आप ध्यान कैसे करते हो मेरे को भी बताओ। फिर मैंने उसको बताया, फिर वो भी ध्यान में लग गई। तो वो जब ध्यान में आई तब कोई JTTP नहीं चल रहा था, सिर्फ मास्टर का क्लास चल रही थी, तो उसने वो ज्वाइन की, वो ज्वाइन की, लेकिन कि नहीं की एक बराबर, जैसे भी उसको थोड़ा बहुत लगा। उसी बीच उसके उसके हस्बैंड भी थोड़े खाने पीने वाले और वो कर क्या बोलते समय हैं, गुस्से वाले। अच्छा हाँ थोड़े गुस्से वाले, थोड़ा हुड़दंग मचाने वाले ऐसे थे। तो समझ गई। हाँ, तो फिर उन्होंने ना धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भी ध्यान करने लग गई, तो उसके इससे उनमें भी थोड़ा ठहराव आ गया, उनमें भी ठहराव आ गया, उन्हीं दिनों में हमारे घर में कोरोना आ गया। अच्छा कोरोना के सबसे पहले मेरे को हुआ, तो पहले तो बड़ा बेड़ी बेचैनी हुई कि मेरे को ये कहाँ से आ गया, बैठना है, खाना यही मिल जाना, यही दवाई मिल जानी है। मैंने तो एंजॉय करना शुरू कर दिया, मैंने तो खूब ध्यान लगाया उस उन दिनों में, दवाई खाती है ध्यान में बैठ जाती, खाना खाया ध्यान में बैठ जाती, काम से मैंने छुट्टी तो मिल गई एकदम ना। काम से छुट्टी मिल गई, मैं आराम एकदम से घर में टेंशन फ्री बैठे। होके बहुत ध्यान एकदम ध्यान किया, और मेरे को कोरोना कैसे मेरे से निकल गया पता भी नहीं चला। और ऐसे ही वाह मेरे देवर को भी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो तो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो मेरी देवरानी को मैं उसको भी बोलती कि तुम ध्यान करो और उनको अपनी वाइब्रेशन भेजो, तो वो उसने भी ऐसा किया, जबकि हॉस्पिटल से बहुत ही कम लोग वापस आते हैं, तो वो भी ठीक होके वापस, सीरियस हो गया था इसका मतलब वो। बहुत सीरियस हो गए थे तो वो भी ठीक होके घर आ गए। तो वेरी गुड, ये ये है हुआ। ध्यान का मेरी प्रभाव। मदर इन लॉ बोल हमेशा बोलती थी पूजा पाठ छाड़ देता है, माता का कीर्तन छाड़ देता है, तो तुसिया कर ध्यान करन बह गई। तो हम अब उनको क्या, बड़ों को क्या समझाए, क्योंकि वो खुद इतने पूजा पाठ किए हुए हैं, ध्यान नहीं किया लेकिन पूजा पाठ तो उन्होंने बहुत किया करते हुआ, ही हैं। एक्सपीरियंस होल्डर हैं इतने। तो मैंने उनको एक बार बोला कि मम्मी आप भी करके देखो, आपकी बॉडी पेन जो है ना ये सब आपके भी ठीक हो जाएंगे। क्या एज है तो उनकी? उनकी सॉरी, 85 अबव है, 85। वाह, और एटी अभी वो फाइव ध्यान है, कर रही हैं। हैवी हैवी वेट है, पैर क्रॉस करके बैठ नहीं पाती, हाथ क्रॉस करके ऐसे पलंग पर पैर सीधे करके बैठ जाती हैं, तो अच्छा वो भी वेरी ध्यान करती हैं। तो उनको मैंने बोला कि मम्मी आप 3 घंटे ध्यान करके देखो, तो शुरू किया तो उनको दर्द होने लगी बॉडी में, तो बोले ये तो तू तो मत दूजा और ज्यादा बीमार पा देता। मैं कह नहीं मम्मी ऐसा मतलब कुछ नहीं है। आपने मुझे और ज्यादा बीमार कर दिया ध्यान में हाँ बैठा जी, के, ये कहा आपने और उन्होंने पंजाबी बीमार कर दिया मेरे को। तो में कहा मैंने बोला उन्होंने। नहीं, फिर मैंने बोला दीप्ति मैम बोलती है, दीप्ति मैम अक्सर बोलती है ना जो ध्यान में होता है अगर तकलीफ आती है तो आप उसको प्रसाद समझो, कि आपकी इम्प्योरिटियां यस निकल रही है बॉडी में से, इसीलिए वहां पर दर्द हो रही है। तो जी, अब वो करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो भी करती हैं। कितना टाइम मेरे करती घर है वो? में, मेरे घर में जितना भी हल्ला गुल्ला जो भी होता था सब इतनी शांति हो गई, और हमारा सेपरेशन वगैरह सब इतनी शांति से हो गया, किसी को पता भी नहीं चला कि हमारा सेपरेशन हुआ है या कुछ हुआ है, एकदम बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगता है घर में। अब जहां कह रहे हो इतना मतलब परेशानी थी बीच में, आपस बहुत में परेशान रहते अंडरस्टैंडिंग भी थे, बता अंडरस्टैंडिंग रहे थे आपने, नहीं है। भी नहीं थी, अब सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये ध्यान बहुत का, पत्री सर का, आप बहुत लोगों का जिन्होंने हमको इतनी शिक्षा दी।
थैंक यू तो बस बता दिए कि इस तरह से करना है, करने तो वाले आप हो, अगर नहीं करते तो कुछ नहीं मिलता, आपने करा तो पाया, तो हम कर भी नहीं पाते। नमस्ते अर्णा भाभी। अच्छा लक्ष्मी जी, अभी आपने बताया था कि जैसे मदन लाख कर रहे, तो उनकी एज क्या है? उनकी एज 85 अबव है। तो अभी भी कर रही है वो? अभी भी करती हैं, 3 घंटे तो जरूर करती हैं। मैंने उनको बोला तो वो 3 घंटे जरूर करती हैं। बाप रे, सीख लो सब लोगों के 3 घंटे ही करना। 85 प्लस में कर रही हैं वो। हाँ जी, 85 प्लस में भी 3 घंटे करती हैं। सबको मोटिवेट करेगा बिल्कुल। और आपको अपने शरीर पर क्या लाभ हुआ? मेरे शरीर पर तो मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं, मेरे सामने ही हैं सब। हाँ, आपके मुझे सुनना चाहते हैं ना, हमें नहीं पता। मेरे को तो यानी जैसे कि सबसे पहले तो मेरे को अपने मोटापे का बहुत डर लगता था कि मैं बैठी रहूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में 5 घंटे मेडिटेशन करूँ। हाँ जी, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं 5 घंटे से कम नहीं करूं। कोई शारीरिक रोग हो आपको, कोई बदन में आपके, वो ठीक हुआ हो? हाँ जी, मेरे को घुटने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी और दर्द थी, और उसकी मैं दवाई लेती थी। तो ये जब से JTTP शुरू हुआ, मेरे को तो वो दर्द वगैरह स्वेलिंग सब ठीक हो गई। मैं तो इनको बताती हूँ, देखिए मेरे पैर एकदम पतले हो गए, पहले से एकदम सूजे सूजे रहते थे, अब मेरे पैर पतले हो गए, अब मैं ठीक हो गए मेरे पैर दर्द। तो ये भी मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। मेंटल पीस इतना ज्यादा मिला कि पहले लगता था कि कहाँ जाएं, क्या करें, कोरोना में घर में रह रहे के घबराहट होती थी। अब तो मेरे को ऐसे लगता है कि कोई मेरे को फोन भी नहीं करे, कोई मेरे को बुलाए भी नहीं। अब तो ऐसे लगता है बस घर में बैठे रहूं और अपना मेडिटेशन करते रहूं। यस, ये है ध्यान का नशा। हाँ जी, ध्यान का एकदम नशा हो गया मेरे को तो, सही में। जो लोग पीते हैं वो तो क्षणिक है ना, उतर जाता है, उतरता ही नहीं, और बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे ही ध्यान का कोई भी म्यूजिक भी बजने लगेगा ना, तो अपने आप आंखें मूंदने लगती है और शरीर एकदम, बॉडी ढीली पड़ने लगती है एकदम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। थैंक यू, बहुत अच्छे से बताई आपने हमें, मुझे लगता है सबको इससे लाभ भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना पूछा, मेरा मान बढ़ाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत। आप आए और आपने सबके बीच में शेयर करी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू आप लोगों ने सुना पेशेंसली मेरे को, थैंक यू सो मच मैम। बहुत मोटिवेटिंग भी थी आपकी स्टोरी, आपकी जो लाइफ जर्नी रही है इसमें मेडिटेशन में, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है अदर्स के लिए जो कर रहे हैं। हाँ जी, सबको मेरी स्टोरी से मोटिवेशन मिले, मेरे को और इससे क्या चाहिए। थैंक यू लक्ष्मी मैम। हाँ जी, थैंक यू स्नेह बोल रही हूँ ना। मेरा नाम सुरेखा जी। प्रणाम प्रज्ञा जी। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते समय जी, एक बार कर लेते रिकॉर्डिंग स्टॉप।